हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 5 पार्ट्स एंड वी हैव टू फैक्टराइज these quadratic equation and also find the roots of the equations. So first of all we will start with the equation 1 and this equation आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मिड टर्म स्प्लिट हम कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, बहुत एक्सप्लेन करके आपको उसमें समझाया। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसमें से एक बार उस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद एक्सरसाइज करेंगे ना तो बेटर क्लैरिटी है। कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्लीज़ आप वो वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको री एक्सप्लेन करती हूँ कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। So in the first part we have x square minus 3x minus 10 is equal to 0. So you can see that first of all we have to multiply a into c. मैंने आप लोगों को बताया था जैसे अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c है तो कोफिशिएंट ऑफ x square and the constant टर्म इन दोनों को इंटू करना पड़ता है। इन दोनों को इंटू करके यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस टेन के ऐसे फैक्टर्स करना है कि 3 आ जाए। क्या करके? माइनस करके। तो 10 के फैक्टर्स तो हमें पता ही है ना, 5 और 2, 5 माइनस 2 से 3 आता है। तो इसके लिए कुछ भी लंबा चौड़ा लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक 5 माइनस 2। मिड टर्म स्प्लिट बहुत ईजी है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम आने वाला है ये हमारे सेकेंड चैप्टर में भी, फोर्थ चैप्टर में भी। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है एक्स माइनस 5 और फिर 2 है एक्स माइनस 5। सो x plus 2 x minus 5 is equal to 0. So the value of x is equal to 2 यहाँ से sorry minus 2 and x is equal to 5. So these are the zeros of first part. ठीक है, तो ये first part के factorization भी हो गए और zeros भी निकल गए। Now we'll do our next part. ये बहुत ही simple सा part था। अब देखिएगा second part में we have 2x square प्लस 6 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी बहुत ही सिंपल है, दिस इंटू दिस तो माइनस 12 आ जाएगा। माइनस 12 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके 1 आए। तो 4 3 जा 12 ना, तो 4 और 3। तो ये बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर मिड टर्म स्प्लिट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप बहुत ईजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये हम क्लास 8 से करते आ रहे हैं ना। और मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में आपको भी बताया कि हम कैसे मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो प्लीज़ क्लास 10th के बच्चों सबसे पहले आप मिड टर्म स्प्लिट सीखो, तभी ये चैप्टर स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो ये हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो का मैं लिंक शेयर करूँगी, प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 2 एंड 3/2। तो ये 2 क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। नाउ विल डू नेक्स्ट पार्ट, द पार्ट 3 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये देखिएगा अच्छे से इसको हम कैसे करेंगे। प्रोसेस सेम ही है, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस में ना ही कोई चेंजेस है। 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो सेम वही a इंटू सी, तो इनको इंटू करेंगे। √2 को अगर हम 5√2 से इंटू करेंगे तो 10 आएगा। 10 के ऐसे फैक्टर्स की प्लस करके 7 आए, तो 5 2 जा 10 ना, तो 5 प्लस 2। तो हम वही लिखने वाले हैं 5 प्लस 2। इन दोनों को इसे ओपन कर देते हैं तो 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से लेंगे कॉमन, इन दोनों में से। तो ना आप एक काम कर लीजिएगा इस तरह की, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको क्या करना है, अंदर एक जैसा आना है। तो यहाँ तो वैसे भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो सिर्फ x ही कॉमन है। तो √2x प्लस 5, इन दोनों में ना √2 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 2 को आप √2 × √2 लिख सकते हो ना। तो √2 बचेगा, एक अंदर और एक बाहर चला गया, और एक x बचा और यहाँ 5। तो देखोगे आप दोनों में एक जैसा आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसा आना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो आप, यहाँ सब जगह एक जैसा आना ज़रूरी है, नहीं तो फिर मतलब कुछ मिस्टेक है। मिड टर्म स्प्लिट का ही रूल है आपके पास। तो यहाँ पे आप क्या कॉमन ले लोगे, √2x प्लस 5। इन दोनों में से कॉमन हो गया और x प्लस √2 बच गया आपके पास। फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -5/√2 और -√2। सो दीज आर द जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन। Now we'll do our next part, part 4 and 5. So in part 4 you can see that we have 2x square minus x plus 1/8 is equal to 0. तो एक तो तरीका LCM ले लो पहले ही, अदरवाइज देखो मैं बिना LCM के भी करके दिखाती हूँ आपको। इन दोनों को इंटू करते हैं, इन दोनों को इंटू करेंगे कितना आएगा 1/4। 1/4 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस करके क्या है 1, तो 1/4 को आप कैसे लिख सकते हो, हाफ इंटू हाफ लिख सकते हो ना। देखो 1/4 आएगा और 1/4 को वी कैन राइट हाफ इंटू हाफ, और हाफ प्लस हाफ से क्या आता है 1, है ना। ऑल्दो आप एलसीएम भी लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही रहेगा, सेम ही आंसर आएगा। मैं लेकिन आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करते हैं 2x² माइनस हाफ एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से मैंने ले लो पहले आप कॉमन ना, तो हाफ एक्स कॉमन आ जाएगा, इसके पास क्या बचेगा x। अब इसमें से हाफ गया तो इसके पास कितना बचेगा 1/8 में से अगर हाफ निकालोगे 1/4 ना, तो यहाँ पे आएगा -1/4। माइनस क्यों आया, क्योंकि जब हम ये वाला साइन लेते हैं तो अंदर, अगर हम बाहर माइनस लेना है तो अंदर का साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, ठीक है। अब इन दोनों में भी हमें सेम ही चीज़ बनानी है, तो ये बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसमें से फिर 2x बाहर आ गया, इसके पास तो सिर्फ x बच गया, इसका ऊपर वाला 2 बाहर चला गया, अंदर नीचे क्या है 1/4। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना आपको। तो 2x माइनस हाफ और x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1/4, और यहाँ से भी 1/4 आएगी, क्योंकि हाफ और फिर वो 2 नीचे जाके दोबारा उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/4 और 1/4, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप इसको ना कन्वर्ट कर सकते हो एलसीएम लेके, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर आप इसके कर लो 16x² 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4x कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। तो मैंने दोनों मेथड कर दिया, हालांकि ये वाला बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी ना आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है ना। तो दोनों मेथड्स मैंने आपको करके दिखाते हैं यहाँ पे। नाउ विल डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5th। तो देखिएगा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 100 × 1 करेंगे तो 100 आएगा। 100 कैसे फैक्टर्स करना है कि प्लस करके 20, तो कितना होगा 100 का 10 × 10 ना, तो 10 + 10 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से फैक्टर्स दिए, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें इक्वेशंस दी नहीं है उन्होंने, बहुत सिंपल सी इक्वेशंस दी है मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए। तो बहुत ईजी सा है आपका ये चैप्टर। एक्चुअली 3rd एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है इसमें ना, ये दोनों तो बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो 10x माइनस 1 कॉमन होगा, 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें आपकी, x इज इक्वल टू 1/10, x इज इक्वल टू 1/10 एंड 1/10। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ आवर पार्ट 5th। तो ये पार्ट 5th का है, ये पार्ट 4th का है। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको मैंने वो क्वेश्चन दोनों तरीके से करके दिखाया। ये वाला क्वेश्चन जो है 3rd और 4th पार्ट, इनको आप अच्छे से देख लेना, मतलब मिड टर्म स्प्लिट तो आना ही चाहिए ना, मिड टर्म स्प्लिट के बगैर आप क्लास 10 में नहीं कर पाओगे। बहुत सारे चैप्टर्स में, एपी में भी लगने वाला है, बिहार के, तो मिड टर्म स्प्लिट तो हमें सीखना ही सीखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। फ्रेंड्स होपफुली आपको मेरे साथ क्लास 10 का सिलेबस करने में मज़ा आ रहा होगा ना। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी ईच एंड एवरी डाउट को सॉल्व करूँ। अगर इसके अलावा भी आपको एनसीईआरटी के अलावा भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी, क्योंकि हमें क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।